हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया जॉब्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के बारे में, जिसमें कि आरआरबी ने बोला है कि 16 अप्रैल तक आरआरबी अपना जो टेंडर है, जिस कंपनी को अपना एग्ज़ाम सौंपने की तैयारी कर रही है, उसका फाइनलाइजेशन कर लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जो कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में साफ साफ से बताया गया है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं फ्रेंड्स, 14 मार्च 2020 की अपडेट है दैनिक भास्कर। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए रेलवे ने साल भर पहले मंगाए थे आवेदन। ये फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के फोरम को आए हुए लगभग एक साल से भी ज़्यादा समय यहाँ पे हो चुका है। तो नीचे देखिए, स्टेशन मास्टर टीसी भर्ती के लिए एजेंसी तय नहीं, अप्रैल में भी परीक्षा मुश्किल। फ्रेंड्स, जैसा कि दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज़पेपर में बताया कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में भी नहीं हो सकती है। देख सकते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के तहत होने वाली भर्ती परीक्षा महीना के परीक्षा के लिए अभी आवेदकों को कुछ महीने और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यह परीक्षा कौन सी एजेंसी लेगी यह अभी तक तय नहीं है। हालांकि रेलवे ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू की है, फिर भी यह माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो तो भी इस महीने भर का वक्त लगेगा, इसलिए भर्ती परीक्षा अप्रैल में भी आयोजित किया जाना मुश्किल है। एनटीपीसी के तहत स्टेशन मास्टर टीसी गुड्स गार्ड समेत अन्य पदों भर्ती के लिए परीक्षा मई में होने की संभावना है। पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों के लिए करीब साल भर पहले रेलवे ने आवेदन मंगाए, ऐसी संभावना थी कि आवेदकों के कुछ महीने बाद ही भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। सितंबर में भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन पूरा साल बीत गया लेकिन परीक्षा नहीं हुई। यहाँ तक कि यह भर्ती परीक्षा कब आयोजित की जाएगी इसके बारे में भी सूचना जारी नहीं की। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा एजेंसी तय नहीं होने के कारण भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। संभावना है कि अप्रैल तक यह तय हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी परीक्षा आयोजित करेगी। इसके बाद फिर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। एनटीपीसी कैटेगरी के लिए देश भर से बड़ी संख्या में आवेदन आए, इसकी स्क्रूटनी हो चुकी है। गौरतलब है कि देश भर में करीब 30,000 से अधिक पदों पर पॉपुलर कैटेगरी में भर्ती होगी। फ्रेंड्स, ये 30,000 नहीं, ये संख्या 35,000 के लगभग पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी में। इसके लिए आवेदक 1.5 करोड़ आवेदन मिले। फॉर्म की स्क्रूटनी के बाद कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी हुए। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ गलत छापी गई है इनके द्वारा कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्मों की स्क्रूटनी हो गई है। ये अभी तक आरआरबी एनटीपीसी ने नहीं बताया कि किसके फॉर्म रिजेक्ट हैं, किसके फॉर्म सेलेक्ट हैं। ये सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी ने अभी तक स्क्रूटनी डाली थी, उसमें ये पता लगा सा कि कितने कैंडिडेटों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कितनों के सेलेक्ट हुए हैं। उनको एक बार मौका भी दिया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। फ्रेंड्स, ये खबर है आरआरबी एनटीपीसी की। ये देख सकते हैं, एक साथ होगी प्रक्रिया। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मास्टर टीसी गुड्स गार्ड समेत पॉपुलर कैटेगरी अन्य पदों के लिए एक साथ भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। संभावना है अप्रैल में परीक्षा एजेंसी तय हो जाएगी, इसके अनुसार फिर मई में भर्ती परीक्षा हो सकती है। एनटीपीसी के तहत 11,000 पदों पर भर्ती होगी। इस कैटेगरी के तहत बिलासपुर जोन के करीब 1100 पद हैं, इनके लिए जोन को करीब 4 लाख आवेदन मिले हैं। फ्रेंड्स, आरआरबी बिलासपुर में लगभग 1100 एनटीपीसी की पोस्टें हैं, जिसके लिए टोटल फॉर्म 4 लाख एनटीपीसी के फॉर्म आए हैं। ये फ्रेंड्स रायपुर, जो कि दैनिक भास्कर रायपुर लगता है, ये आरआरबी बिलासपुर का ही मंडल है, वहाँ पे ये खबर छपी है। तो इन्होंने बिलासपुर के बारे में भी यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर में बात बताई हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम होगी वो फ्रेंड्स 16 अप्रैल तक इन्होंने बोला है कि वो टेंडर का फाइनलाइजेशन कर लिया जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं, या तो 16 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल तक यहाँ पे एग्ज़ाम का फुल शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अप्रैल के बाद में जैसे आपका 15 मई से 25 मई के बीच में आपकी एग्ज़ाम होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं कि इस बीच में आपकी एनटीपीसी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। फ्रेंड्स, आपको पता है काफ़ी बड़ी संख्या में आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म आए हैं, तो ये एग्ज़ाम करीब आपकी 1.5 मंथ से 2.5 मंथ के बीच में चलने वाली है। फ्रेंड्स, लगभग 2 मंथ तो एग्ज़ाम चलेगी ही, इससे ज़्यादा समय भी आपके लग सकता है। और ये फिर जो भी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कराएगी उस एजेंसी के ऊपर, यदि कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक ठीक एग्ज़ाम हो जाता है, तो फ्रेंड्स 2 मंथ में आपकी फुल एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड सीबीटी के लिए जितने बच्चे क्वालिफाई हैं उनका सेकेंड सीबीटी चरण कराया जाएगा। तो अभी तो फ्रेंड्स अप्रैल में तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है आपकी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि 16 अप्रैल को तो आपका टेंडर ही फिक्स होगा।
तो उससे 10 दिन पहले आपके एग्ज़ाम सिटी बताए जाते हैं, 4 दिन पहले मेन जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होता है वो डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कि 15 से 20 मई के बीच में ही आपकी संभावनाएं लग रही हैं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे NTPC भर्ती की पल-पल की अपडेट के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।